कृष्णा फ्रेंड्स, मैं गुरजीत कौर पंजाब खन्ना से, मैं 2018 से अपने भाभी नीलम जायसवाल जी के थ्रू रजनी महाजन जी के ग्रुप में ऐड हुई थी। एट प्रेजेंट मैं किरण छाबरा जी के साथ श्रीमद् भागवत गीता की रीडिंग्स लेती हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छी मेंटर है और हमें बहुत ही सरल तरीके से श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक समझाती हैं। फ्रेंड्स, मैं एक टीचर हूँ और आज गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से आप सभी के साथ अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। डिवाइन एक्सपीरियंस यानी दिव्य अनुभव। प्रभु द्वारा होने वाले चमत्कार सच में ही दिव्य होते हैं, जिनसे हमारी अंतर आत्मा खिल उठती है और हम अपने सभी सगे संबंधियों व दोस्तों के साथ इस अनुभव को शेयर करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, प्रभु भाव के भूखे होते हैं, बस हमें अपने भाव प्योर रखने हैं। बात दिसंबर 2021 की है, जब मुझे अपने स्कूल की ओनर से पता चला कि शुक्ल पक्ष की 3 एकादशियों को श्री खाटू श्याम जी के मंदिर में माथा टेकने से भगवान हमारी हर डिजायर को पूरा करते हैं। बस मैंने भी अपना मन बना लिया कि प्रभु हमें डिवोशन में आगे रखें। और जब पहली एकादशी आई तो यहाँ खन्ना में रिसेंटली ही खाटू श्याम जी का मंदिर बना है, जहाँ मैं माथा टेक आई और उसके बाद अचानक से मुझे देहरादून अपने मायके जाना पड़ा। वहां पहुंचकर मैंने सोचा कि जब दूसरी एकादशी आएगी तो मैं वापस आ जाऊंगी, बट ये पॉसिबल नहीं हुआ और मैं इसी टेंशन में थी कि दूसरी ग्यारस का माथा मैं कहाँ टेकूंगी। पर कहते हैं ना, प्रभु हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचते हैं, क्योंकि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। वहां देहरादून में कोई मंदिर हो ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं था, पर बाबा ने शायद मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। उन्होंने कहा, पगली तू क्यों चिंता करती है, मैं बैठा हूं ना, और आप सच माने मेरे भैया भाभी ने प्लान बनाया कि वो खाटू श्याम जी 11 पर माथा टेकने जाएंगे और मैंने भी वहां जाने का निर्णय किया और बाबा ने मुझे सीधा खाटू श्याम जो कि राजस्थान में है वहीं 11 का माथा टिकाया। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। वहां पहुंचकर हमने खुले खुले दर्शन किए, बहुत एंजॉय किया। वहां होने वाले भजनों की धुन पर मैंने और भाभी ने खूब नृत्य किया, खूब झूमे, खूब आनंद उठाया। प्रभु के साक्षात चमत्कार देखकर मन खुशी से झूम उठा। तभी तो उन्हें कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। देन तीसरी ग्यारस का माथा मैंने अपने खन्ना में स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर में टेका। फ्रेंड्स, भगवान का चमत्कार देखिए कि मेरी ये डिजायर कैसे पूरी हुई। तीनों एकादशियों का माथा टेक कर मैंने ये अपनी इच्छा को संपूर्ण किया। सच में भगवान हमारी हर इच्छा को पूरा करते हैं। मेटीरियल डिजायर के साथ साथ वो हमारी स्पिरिचुअल डिजायर को भी पूरा करते हैं। बस हमें निरंतर सत्संग, सेवा, साधना और सदाचार से जुड़े रहना है। कृष्णा को अपना रोल मॉडल बनाना है, उनसे उनकी भक्ति मांगनी है, प्रभु पे विश्वास बनाए रखना है। फ्रेंड्स, निखिल जी जो गोलोक एक्सप्रेस जैसा हमें प्लेटफॉर्म दिया है उस पर चलकर हम निरंतर भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु के साक्षात चमत्कार देख रहे हैं। थैंक्स टू निखिल जी एंड ऑल गोलोक एक्सप्रेस टीम। प्रभु उन पर और हम पर अपनी कृपा बरसाए रखें। अंत में मैं यही कहूंगी, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु हमारा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरि बोल, हरे हरि बोल।